Friends, now we are going to discuss another hormone which is important for the regulation of metabolism, and that is glucagon. Last जो slide में हमने insulin का जो पढ़ा है उसमें metabolic effects पढ़े हमने, उसके उसमें structure पढ़ा है, उसका synthesis और फिर उसके effects पढ़े, metabolic effects insulin. Similarly अब हमने glucagon का भी वैसे ही इसको भी डिस्कस करना है. उसमें इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर है, फिर उसका सिंथेसिस भी है उसके साथ ही, फिर उसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स पर, लिपिड्स पर और प्रोटीन पर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्लूकागोन. ग्लूकागोन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जस्ट लाइक इंसुलिन. और ये अल्फा सेल्स जो हैं जो आइलेट से प्लेंग है पेंक्रियाज में, और अल्फा सेल्स वहाँ से प्रोड्यूस होता है. एंड इट पोजेस मेनी एक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन इज एन एनाबोलिक हार्मोन व्हाइल ग्लूकागोन इज ए कैटाबोलिक हार्मोन. तो दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ये जो है वो वेल फेड स्टेट में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और वो एनर्जी को उसी तरह यूटिलाइज भी करता है और फिर उसको स्टोर भी करता है. वाइल इन द केस ऑफ ग्लूकागोन, ग्लूकागोन इज प्रोड्यूस इन द कंडीशंस ऑफ स्टार्वेशन एंड स्ट्रेस और फीवर, यानी इस तरह की जो कंडीशन है जिसमें एपिनेफ्रिन का भी रोल आ जाता है, तो फिर ग्लूकागोन उसके साथ जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि उस कंडीशन में स्टार्वेशन की जो कंडीशन है उसमें इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है. और वो कौन से प्रोसीजर्स से करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये दोनों प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू वो ब्लड ग्लूकोज जो है उसको उसका लेवल मेंटेन करता है. इट इज़ ए 29 अमीनो एसिड हार्मोन, एंड वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है 29 अमीनो एसिड्स की. तो ये हार्मोन है 29 अमीनो एसिड्स का, और इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटीलेटेड क्लीवेज एज इंसुलिन. और जस्ट लाइक इंसुलिन ये भी वैसे ही इसका सिंथेसिस होता है कि पहले जिस तरह प्री प्रो इंसुलिन था और प्रो इंसुलिन जो फंक्शनल हार्मोन बना था, जस्ट लाइक दैट ग्लूकागोन का भी सिंथेसिस वैसे ही होता है. Now the regulation of glucagon secretion. Glucagon is a hormone. It is a catabolic hormone. और इसकी secretion की जो है उसकी भी regulation होती है just like insulin. कौन सी conditions हैं जिसमें इसकी secretion ज़्यादा होती है, और कौन सी ऐसी conditions हैं जिसमें इसका जो है secretion को इसकी जो है secretion को block किया जाता है. अब कुछ कंडीशन में फॉर एग्जांपल लो ब्लड ग्लूकोज, लो ब्लड ग्लूकोज है तो ये इसकी सिक्रेशन एनहेंस होगी, इसको ये स्टिमुलेट होगा और ये सेल्स जो हैं अल्फा सेल्स से ये प्रोड्यूस होगा. अनदर कंडीशन जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसके चांसेस हैं आफ्टर प्रोटीन मील, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं है और प्रोटीन डाइट है, तो उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूकागोन की सिक्रेशन होगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज. एक और कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड में है अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, तो उस कंडीशन में भी ग्लूकागोन की जो है स्टिमुलेशन होगी, यानी उसकी जो सिक्रेशन होगी ज़्यादा होगी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन. नेक्स्ट स्टेट है जिसमें इसकी जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है, और वो होती है स्टेट जिसमें इंसुलिन ज़्यादा है, यानी अगर वेल फेड स्टेट है, ग्लूकोज लेवल है ब्लड में नॉर्मल ठीक लेवल है, तो उस स्टेट में फिर ग्लूकागोन की जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट होती है, उसमें ग्लूकागोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होता सेल से. नाउ इन दिस figure you can easily see the picture of a cell and a vessel, blood vessel, एक जो है सेल है, सेल की पिक्चर. तो उसमें कुछ conditions भी बताई हुई हैं कि ग्लूकागोन कंडीशंस में उसको उसके
उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, उसकी डोनेशन होती है, उसकी पिन कंडीशंस में वो इनहिबिशन होती है। तो दो कंडीशंस हैं कि अमीनो एसिड्स हैं अगर डाइट में या प्रोटीन डाइट है तो उसमें भी ये ग्लूकागॉन स्टिमुलेशन होगी इसकी। वेल द सेकेंड कंडीशन है जिसमें एपिनेफ्रिन या नोरएपिनेफ्रिन कैटेकोलामिन्स हैं अगर ब्लड में अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस तो उसमें भी ग्लूकागॉन की स्टिमुलेशन होती है, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ जो है इसमें शो की गई है। अब एक नेगेटिव साइन के साथ है कि अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ब्लड में तो इन वेलफेड स्टेट है तो इंसुलिन होगी, उस वक्त ग्लूकागॉन की स्टिमुलेशन नहीं होगी, वो इनहिबिशन होगी उसकी। और एक साइड पर उसकी जो है जो सिंथेसिस का भी उसको शो किया गया कि वो प्रीकर्सर से कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है कि प्री प्रो ग्लूकागॉन दें प्रो ग्लूकागॉन जैसे लाइक जिस तरह इंसुलिन में हमने देखा था तो वैसे उसकी फॉर्मेशन हो जाती है फिर वो सेल से वैसे उसका यानी कि उसका उसे रिलीज हो जाता है वो ब्लड में चला जाता है। और तो ये इस पूरी फिगर में उसका अंडर डिफरेंट स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी कंडीशंस ये ग्लूकागॉन जो है उसका सारा सिंथेसिस जो दिखा रहा है। द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन के मेटाबॉलिज्म के क्या इफेक्ट होते हैं। ग्लूकागॉन इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन और ऐसे बहुत से प्रोसीजर्स जो कि एनाबॉलिज्म में इंसुलिन की वजह से जो नहीं होते वो ग्लूकागॉन जो है उनको स्टिमुलेट करवाता है इन द स्टेट ऑफ स्टार्वेशन। इट एनहेंसेज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्यूल्स एंड इनहिबिट फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज को जो है उसको इनहिबिट करेगा और मोबिलाइजेशन फ्यूल्स इंक्रीज करेगा स्टोरेज एनर्जीज प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। एंड देन इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज बाई ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये प्रोसीजर है ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हुई और उसकी ब्रेक डाउन की वजह से ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये उस प्रोसीजर को इन्हेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है और ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी करवाता है क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, तो उनसे भी ये ग्लूकोज जो है उससे प्रोड्यूस करवाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं वो ग्लूकागॉन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, वो जो एनर्जी फैट्स की फॉर्म में हमें इंसुलिन में स्टोर की गई कि इंसुलिन की प्रेजेंस की वजह से स्टोर हो रही है, अब वो ग्लूकागॉन की प्रेजेंस की वजह से वो यूटिलाइज होगी और कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होगी एंड अमीनो एसिड जो है उसकी भी मोबिलाइजेशन होगी, प्रोटीन जो है वहाँ पर सिंथेसिस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर वही प्रोटीन या वही अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज़ होंगे सो डैट जो ब्लड लेवल है ग्लूकोज का उसको मेंटेन किया जा सके। नाउ इन दिस फिगर वी कैन इजीली सी डिफरेंट मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन। कुछ प्रोसीजर्स को ये इन्हेंस करता है, कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स हैं जिनको इनहिबिट करता है। तो एम सी क्यूज़ जो हैं इसमें से मेटाबॉलिक इफेक्ट्स जो हैं ग्लूकागॉन के, तो कौन से प्रोसीजर्स को इनहिबिट करता है और कौन से प्रोसीजर्स को ये स्टिमुलेट करता है, तो उसमें से एम सी क्यूज़ भी बन जाते हैं। तो ये जो ग्रीन बार के साथ जो एरोज शो किए हुए हैं यहाँ पर फिगर में, उन प्रोसीजर्स को ये स्टिमुलेट करेगा और जो कि रेड बार के साथ एरो है उसको उस प्रोसीजर को ये इनहिबिट करेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कीटोजेनेसिस एंड अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, ये इन प्रोसीजर्स को ये स्टिमुलेट करेगा और वाइल ग्लाइकोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। तो ये फिगर को और इन सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं तो इनको यानी केयरफुली इसको फिगर को याद करें और इसमें से एमसीक्यू बन जाए। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकागॉन एक्शन, ग्लूकागॉन का जो एक्टिवेशन होती है थ्रू रिसेप्टर्स वो उसका क्या मैकेनिज्म है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंसुलिन। इट बाइंड्स टू हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के
जो लिवर सेल्स हैं उनके ऊपर जो उनकी सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें रिसेप्टर्स हैं, और उनके अंदर जो रिसेप्टर वो हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ ये हार्मोन जाके फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड करेगा. एंड दोज रिसेप्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज डायरेक्टली बाइंड इंसुलिन एपिनेफ्रिन. उन दोनों हार्मोन्स के रिसेप्टर डिफरेंट होते हैं और ग्लूकागोन के रिसेप्टर डिफरेंट हैं. और इसका फिर जो सर एक्टिवेशन का प्रोसीजर है वो टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन से डिफरेंट है. इसकी एक्टिवेशन होती है एडीनोलाइल साइक्लेज के थ्रू. एडीनोलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है विच प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी, एंड साइक्लिक एएमपी एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर. अब अ कैस्केड ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फास्फोर रिएक्शंस वो प्रोड्यूस होता है, और उस कैस्केड के थ्रू फिर कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं जिनकी इनहिबिशन या उसकी एक्टिवेशन करवाई जाती है, जो कि फिर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट होती है. Now in this figure we can easily see the mechanism of glucagon action. उसका जो उसमें जो स्टेप्स हैं कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू में ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड डॉट जो है एक फिगर में उसके ऊपर जो है एक लिखा हुआ है ग्लूकागोन, तो वो हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन. वो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है हेपेटोसाइट के साथ, तो उसने सेल के अंदर जो साइटोसोल में एटीपी प्रेजेंट है उसको उसने साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया. अब साइक्लिक एएमपी क्या है? साइक्लिक एएमपी जो है वो एब्रिवेशन है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का. तो ए सी फॉर एडिनोलाइल साइक्लेज, दिस इज एन एंजाइम. एटीपी ए सी जो है एडिनोलाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गया है और अब वो सी एएमपी प्रोड्यूस कर रहा है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. सी एएमपी जब सेल में प्रोड्यूस हो गया है तो वो एक और प्रोटीन है, वो भी एक एंजाइम है पीकेए प्रोटीन काइनेज ए, उसको एक्टिवेट करवाएगा और जो स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन के उस सेल के अंदर उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है. ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और इस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी. ये स्टेप्स हैं इस फिगर में देखे जा सकते हैं कि ग्लाइकोजन से उसकी ब्रेक डाउन हो रही है और वो ग्लूकोज वन फास्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बन रहा है, और ये आइसोमर्स हैं दोनों. और फिर यहाँ से ग्लूकोज सिक्स फास्फेटेज इज अनदर एंजाइम, वो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ पर एक ग्लट टू एक ट्रांसपोर्टर है, तो वो फिर जो ग्लूकोज है उसको उसके साथ अटैच होता है, वो फिर ब्लड में उसको ट्रांसफ़र कर देता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो इस तरह से ये जो फिगर में जो है मैकेनिज्म ग्लूकागोन का देखा जा सकता है. अब ये मैंने लेक्चर्स जो हैं दोनों मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों जो है मैंने लिपिनकॉट से ही प्रिपेयर किए हैं. लिपिनकॉट जो बाय लिपिनकॉट, तो दोनों जो हैं लेक्चर्स उसमें एक है चैप्टर है उसमें पूरा, और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं उस चैप्टर में देखे जा सकते हैं. वहाँ से कंसल्ट करें और ये स्लाइड्स को भी देखें और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें. इस तरह आप एमसीक्यूज की भी इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं.